YouTube फैमिली क्या हालचाल है। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक हैं, आपके दुआ से हम भी ठीक ठाक है, खैरियत है। तो आज एक नया दिन, एक नया व्लॉग तो आपके सामने हम हाजिर हैं। तो आपने करना खूब सारा सपोर्ट और खूब सारा देना प्यार। और आज हम बना रहे हैं जी आलू बैंगन का सालन। तो मैं रेसिपी आपसे पूरी शेयर नहीं कर सकी, भी बस हमारी लाइट गई हुई थी, तुम्हारा फ़ोन बिल्कुल बंद हुआ था, तो लाइट आई है, तो फिर फ़ोन हमने चार्ज किया, तो इतनी देर में मैंने खाना बना लिया था। तो अभी मैं इसको भून रही अच्छे तरीके से। और इधर आ गई है मैरी। हाँ जी, तो मेरी आपको पसंद है, इधर आ जाओ ना। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और जो भी हमारे घर पका हो, सब्जियाँ पकी हो, हम लोग खा लेते हैं। हाँ जी, तो मेरी ने कभी जिद नहीं की। तो व्यूअर्स, मैरी बहुत समझदार है, बहुत प्यारी लड़की है, तो इस वजह से मैरी आपको अपनी सारी चीज़ों के बारे में बता रही है कि वो दाल हो सब्जी हो मैरी खा लेती है। मैरी ने कभी जिद नहीं की, तो इस वजह से मैरी आपके साथ बातों को कर रही है शेयर। तो आज का व्लॉग तो आप मैरी का आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और आपने खूब सारा मैरी को देना है। हाँ जी, प्यार भी करना है। हाँ जी, तो मैरी स्कूल से आई थी भी बस, तो मैरी सो गई थी आते वक्त ही, तो मैरी थोड़ी देर होगी उठी है, फिर मैरी अपना फेस वगैरह धो के साफ सुथरा करके तो फिर आपके सामने खड़ी हुई है। हाँ जी, तो बाकी लिशबा भाई टहल रही है और दिया कुछ कर रही है काम, तो दिया के साथ भी आपको मिलवाते हैं, लिशबा के साथ भी आपको मिलवाते हैं अपने वीडियो को। हाँ, तो वीडियो में बने रहना है हमारे साथ साथ ही, तो खूब सारा मैं देना जी प्यार। तो मैरी आज बोल रही थी कि मैं आज विवश से बात करना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैरी आप लोगों से बात कर रही है। तो ये क्या पकड़ा हुआ? हाँ जी, तो मेरी मतलब के टीचर जब बड़ी हो जाएगी मेरी टीचर बनेगी। हाँ जी व्यूअर्स, क्योंकि व्यूअर्स हमारी क्लास में भी एक टीचर है ना, वो बहुत अच्छी टीचर है, तो मेरा दिल करता है कि मैं भी टीचर बनूँ। तो मेरी को जी जरूर, हम बड़ी जब मेरी हो जाएगी मेरी को हम टीचर भी बनाएंगे, मेरी डॉक्टर भी बनेगी। हाँ जी, तो डॉक्टर का भी बहुत शौक है मुझे और टीचर का भी। हाँ जी, तो इधर आ गई है दिया। दिया के साथ भी मैं आपकी बात करवाती हूँ बैक कैमरे के। बैक कैमरा कर लिया है ऑन, तो ये देखो लिशबा बाहर खड़ी हुई है। हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी आपकी दुआ से ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हो। व्यूअर्स, मैं बाहर टहल रही थी और अपनी पोनी वगैरह मैंने बनाई है, क्योंकि मैं नहाई हूँ, तो इस वजह से मैंने अपनी पोनी वगैरह बनाई है। और बाहर हो रही है बारिश, और ये आप देख सकते हैं बारिश एकदम से ही होने लग जाती है और एकदम से रुक जाती है, और बाद में बहुत ही हफस हो जाती है। तो कमरे में तो मतलब के बहुत ही ज़्यादा जो है ना हफस हो गई है, क्योंकि मैंने अंदर चूल्हा भी जलाया हुआ है, तो वैसे भी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई अंदर। तो मैं मिलवाती हूँ आपको पतरस के साथ। आज पतरस दो दिन हो गए थे व्लॉग में नहीं आ रहे थे, तो आज पतरस आपसे बात करेंगे। तो पतरस अभी नहाए थे, तो ज़रा तैयार हो रहे हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या चाल है, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, तो मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ, आपके सामने हूँ। तो व्यूअर्स, कुछ बहन भाई हमें खुशखबरी के मैसेज दे रहे हैं। हाँ, तो आप सब बहन भाइयों की दुआओं की वजह से एक दिन वो भी दिन आएगा कि आप लोगों को हम लोग खुशखबरी देंगे। हाँ, आपको अपने दोनों हाथों के साथ अपने दिल को थाम के रखिए, बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है जो हम लोग आपको खुशखबरी सुनाएंगे। हाँ जी,
तो खुशखबरी तो पता ही आपको, सब जानते हैं क्या हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को पूरा वॉच टाइम दे तो वीडियो भी एंड पे आपको बताएंगे क्या खुशखबरी है। तो भी बस आज पतस की देखे आईज जो है ना वो काफी रेड हो रही है, इधर वाली चोट लगी थी, ये देखे आपको निशान नजर आ रहा होगा, ये देखे बस इधर इनको चोट लगी थी तभी, मतलब कितने, हाँ जी काफी अरसा हो गया, तो कभी मेरा हाथ लग जाए तो फिर ये मेरी ये सारी चीज जो दर्द होती है उसकी वजह से शायद, तो हमने बोला था अभी उसके आईज जो है ना वो दर्द कर, अपरेट वगैरह मतलब करवाने का, तो लेकिन वो बोल रहे थे कि अगर अपरेट वगैरह करवाएंगे तो ये ना हो के उधर से आंख जो अंदर से वो डैमेज ना हो जाए, कमजोर पड़ सकती है, तो आप लोगों ने बता सकती है, लेकिन खुदा का शुक्र है दवा वगैरह मैं करा रहा हूँ और इधर मैं ऑयल भी लगाता हूँ प्रे वाला, तो खुदा का शुक्र है कभी जाके तंग करती है लेकिन नहीं, लेकिन ये दो दिन हो गए हैं ये ज्यादा मुझे तंग करी, क्योंकि मैं सुबह सुबह ऐसे को ऐसे ऐसे मल दिया उसकी वजह से मेरी जो अंदर वाली आईज है ना वो रेड भी हो चुकी है और दर्द भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, दर्द हो रहा है, और मैंने सुरमा इनकी आंखों में मतलब के डाला था तो उसकी वजह से अभी थोड़ा तो बेहतर है लेकिन अभी रेड वैसे ही है जी। तो आपने हमारे साथ यूं ही बने रहना है ठीक है, तो हर अच्छे अच्छे व्लॉग आप तक पहुंचते रहेंगे, तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ व्यूअर्स को कि आप सब बहन भाई बहुत ज्यादा हमें प्यार दे रहे हैं, आप सब बहन भाई उनकी प्यार की जरूरत है, और तो आपको तंदुरुस्ती से वो आपको जरूर दो तीन दिन हमें बता देंगे कि वो खुशखबरी क्या है। तो कुछ बहन भाई कह रहे हैं कि आपके पौधे जो बड़े हो गए हैं, तो व्यूअर्स वही खुशखबरी आपको बताएंगे कि पौधे जब हमारे बड़े हो जाएंगे वो दिखाएंगे भी, दिखाएंगे भी आपको, और जिस बहन भाई को धनिया चाहिए वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हाँ जी के फ्रेश वाला धनिया आपको चाहिए। तो रजिया थोड़ा सा बाहर चले, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, रजिया इधर खाना बहुत ज्यादा पसीना भी आया, तो आप बाहर आ जाओ ना, बाहर आ जाओ, तो बारिश भी हो रही है अभी, तो अभी बस मैंने इधर चूल्हा अंदर ही जलाया है तो इस वजह से जो ना बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, हाँ जी, तो मैं अपना जूता पहन लूँ भी, बाहर तो जो ना बहुत ज्यादा बारिश की वजह से गंद हो गया, और ये देखे नाराज होके खड़ी हुई है इधर, हम वहाँ काम कर रही है और ये नाराज हुई है ना, ये बहुत ही आजकल नाराज हो रही है, बस आप इसके लिए जरूर कमेंट कीजिएगा, अब नीचे करना हाथ बस को पता चले ना, नीचे करो, ये नाराज होके कमरे में खड़ी हुई है लाइट बंद करके, ठीक है कि इसको, लाइट गई हुई है, हाँ लाइट है उस वाले कमरे में है तो इस वाले में नहीं ना आ रही, तो हम चलते हैं बाहर भी बस, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है और दिया तो जो है ना इधर खड़ी हुई है, मैं नहाने जा रही हूं, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी है, चलो नहा लो, तो बाहर का मौसम देखे भी बस बारिश हो रही है और ये देखे सारा, लेकिन मौसम ठंडा था आपको पता है, जूता पहनो, सर्दी का मौसम आ रहा है जल्दी जल्दी, हाँ जी तो शुक्र है जल्दी जल्दी से आए ठंडा मौसम, लेकिन इधर मच्छर बहुत ज्यादा, सर्दी जिस तरह यहाँ की मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बाहर इंसान नहीं लेट सकता, जब मच्छरदानी लगी होगी तो फिर इधर लेटा जाएगा, मच्छरदानी के बगैर नहीं लेट सकते, गर्मी है रात को फिर काटता तो फिर इधर व्यूअर्स है भी डेंगी, आम वाला मच्छर नहीं है, जो काट गया तीन चार मच्छर काट के पक्की डेफिनेटली बात है आपको बहार हो जाएगा, हाँ जी, तो अब मेन बात पे आते हैं बस, अब बताते हैं हम आपको खुशखबरी, तो मैं आपको बताती हूँ आप इसी तरह, तो जिस तरह हम बता रहे थे तो फाइनली उस बात पे आते हैं जो बात का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो बात ये है बस, खुदा का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र करे उतना ही कम है, और कुछ बयान भाई बोल रहे थे आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया है, तो या आपकी जो आप लोगों ने धनिया लगाया है वो चल पड़ा है, तो अभी बस ऐसी बात नहीं है, तो आप लोग दुआ कीजिएगा मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाए जल्दी जल्दी, और जो जो भी मेहनत कर रहा है आपकी मेहनत का भी खुदा आपको अजर दे, और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका भी सिला में खुदा दे और खुदा पे आसमी दे, तो मेन बात भी बस ये है कि पतस को मिल गई है जॉब, तो जॉब की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, 6-7 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो अब खुदा का शुक्र है कि उसको जॉब मिल गई है, क्योंकि हर महीने भी बस हमने रेंट देना होता है, बिल देना होता है, तो इस वजह से कर्जा लोगों से उठा उठा के, तो जो है ना कि हम बहुत कर्जे के नीचे भी आ गए हैं, तो अब जितना शुक्र करें उतना कम है, तो ऐसे ही वो काम पे जाते रहें, खुदा उनको तंदुरुस्ती सेहत दे और वो हमेशा खुश रहें, तो पतस बाकी बात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, ठीक ठाक है, खैरियत से, तो जिस तरह की रजिया आपको बता रही है तो खुदावन ने रजिया की दुआओं का जवाब दे दिया है कि काफ़ी 6-7 महीने से मैं जॉब के पीछे लगा हुआ था, तो खुदावन ने वो दुआओं का जवाब दे दिया है, जॉब मुझे मिल गई है, तो जॉब पे आज मेरा दूसरा दिन है, दूसरा तो बस आज मेरा दूसरा दिन है, तो खुदावन के शुक्र से सुबह मेरा तीसरा दिन है,
तो मैं मतलब जा रहा हूँ। तीन दिन उन्होंने ट्राई के बोले हैं, तो हम लोगों ने गांव में याद रखना है कि पतरस की उधर ट्राई बिल्कुल सही हो जी। तो तीन दिन की ट्राई है और पीर वाले दिन मैं सही से स्टार्ट जाऊंगा, मतलब कि हाजिरी लगे पीर वाले दिन जी। तो आप लोगों ने भरपूर सारा में प्यार देना है और गांव में याद रखना है, पर थोड़ा सा इशू हो रहा है कन्वेस का जी, तो खुदा करे काफी दूर है ना व्यूअर्स, तो फिर वो आने जाने का बहुत मसला हो रहा है। हाँ जी, तो वो भी खुदा के आगे हम दरख्वास्त रखेंगे, खुदा जरूर हमारी मदद करेगा। तो आप लोगों ने भी दुआ में याद रखना है और तो सब बहन भाई की दुआओं की वजह से आज हम इस मंजिल पे हैं। हाँ जी, तो जो आपको बता रहे हैं, जो आप खुशखबरी का कह रहे थे, खुशखबरी ये है कि मुझे जॉब मिल गई है। खुदा करे हमारा चैनल भी हो जाए, तो जब चैनल भी हो जाएगा तो तब भी आप बहन भाइयों के साथ करेंगे हम लोग शेयर। हाँ जी, क्योंकि हम यूट्यूब फैमिली को तो भूल नहीं सकते, तो हर बात शेयर करेंगे बहन भाइयों के साथ। तो जो का आपके साथ कर दी है, खुश कभी शेयर कर दी है, तो आज के लोग आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, पसंद आएगा। तो 10 बहन भाइयों को करना है साथ अपने वीडियो को शेयर और खूब सारा देना प्यार, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे तब के लिए। खुदा हाफिज़।